हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और निधिस किचन में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए प्रॉन्स करी की रेसिपी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हो। और कुछ डिफरेंट तरीके से आज मैं आप लोगों को ये रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही इजी तरीका है। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि जो मसाले होते हैं वो मैं अच्छी तरीके से, मुझे पर्सनली भी पूछते हैं लोग कि आप कितना मसाला डालते हो, कितना क्या। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में बता दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉन्स ले लेना है। ये थोड़े बड़े प्रॉन्स हैं। ये प्रॉन्स की करी जब आप बनाते हो ना, तो प्रॉन्स जब आप फ्राई करते हो, अगर आप छोटे प्रॉन्स लोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और खाने में मज़ा नहीं आता। जो एकदम छोटे प्रॉन्स रहते हैं ना, उनकी चटनी बनाई जाती है जो बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं जल्द ही बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। तो यहाँ पे प्रॉन्स को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने उसमें हल्दी नमक लगा लिया था, उसके बाद मैंने उसको तल के निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो ऑयल आप रेगुलर यूज़ करते हो उसमें भी बना सकते हो। फिर हम तड़के में डालेंगे तेज पत्ता और ढेर सारे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता यहाँ पे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि फ्रॉन्स है ना, आप साउथ इंडियन स्टाइल में जो बनाते हो फ्रॉन्स करी और जो उसका फ्लेवर होता है, तो जहाँ की जो चीज़ होती है उसको उसी हिसाब से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर चिकन या मटन के मसाले में फ्रॉन्स को बना दो, फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड करिएगा। फिर हम डालेंगे दो प्याज, हमें ज़्यादा प्याज भी नहीं ऐड करना है। यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, थोड़े से खसखस, कुछ लौंग, दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ा सा काली मिरी, एक चम्मच जीरा और यहाँ पे एक बड़ी इलायची, दो तीन छोटी इलायची आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीन बार में प्रॉन्स को फ्राई करके निकाला है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं। सो बस यहाँ पे प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज अच्छी तरीके से भून रहा है तब तक हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। तो खाना बनाते वक्त आपको ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ ध्यान रखना है। मेरा तो यहाँ पे वीडियो भी बन रहा है, प्याज भून रहे हैं और मैंने मसाले भी पीस लिए, तीन काम एक साथ हो रहे हैं। दूसरे साइड मैं फ़िश फ्राई भी कर रही हूँ साथ ही साथ, जिसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड की है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और आप मेरी इंस्टा आईडी पे भी जाके रेसिपीज़ को देख सकते हो। यहाँ पर मसालों को अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। मसाले अच्छी तरीके से तब तक भूनना होता है जब तक मसाले कढ़ाई से या बर्तन से, जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो उससे अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर और दो चम्मच के करीब मैंने लिया है गरम मसाला। धनिया मैंने एक चम्मच लिया था, हल्दी बिल्कुल आधा चम्मच, लाल मिर्च भी बिल्कुल आधा चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुने हुए होते हैं तो ही हमारी सब्जी हो या हम मटन ग्रेवी बनाएं या हम कोई भी ग्रेवी बनाते हैं तो उसका मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मसाले और प्याज की भुनाई से ही आता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं एक टमाटर, थोड़ा बड़े साइज़ का था और मैंने इसको अच्छी तरीके से चॉपिंग में जो कटर होता है उसमें अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। सो बस यहाँ पे हम उसको भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देना ताकि हमारे जो टमाटर है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल जानी चाहिए क्योंकि खाने में नहीं आना चाहिए। सो बस ऐसी चीज़ें डाल के बनाइए खाना कि खाने वाला टेंशन में आ जाए कि इतना टेस्टी आखिर बना कैसे है। मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि वो इतनी ईजी हो कि आप लोग झटपट बना सको और घर के ही चीज़ों से बनाओ, क्योंकि काफ़ी नए लोग होंगे जिनकी न्यू लाइफ शुरू हुई हो और उनको कुकिंग करना नहीं आता हो तो वो मेरी रेसिपीज़ को देख के सीख सके या बनाए और उनको पसंद आए, यही कोशिश रहती है पूरी मेरी। तो जितना हो सके उतना ही मैं आसान बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी को। यहाँ पर देखो कढ़ाई से अलग हो गया है हमारा मसाला, तो बस इसी वक्त हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी हम अपने जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से ऐड करेंगे। आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो एकदम थोड़ा पानी डालिए, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पतला भी कर सकते हो।
प्रॉन्स करी अच्छी सी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती, और हमें तो स्पेशली कोई भी ग्रेवी ऐसी नहीं पसंद है जो बिल्कुल पानी की तरह हो, थिक ही रखना पसंद करते हैं हम। तो बस इन मस अच्छे से हम इसको पका लेंगे। प्रॉन्स डालने के बाद हमको करीब 10 मिनट तक इसको पकाना है। 7 से 10 मिनट के अंदर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हो कि अभी इसमें बिल्कुल भी बॉयल नहीं आया है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, कलर भी अच्छा आया है हमारे ग्रेवी को। तो बस अब इसको हम अच्छी तरीके से पकने देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक आप चाहो अपनी रोटी राइस रेडी कर सकते हो। प्रॉन्स करी मैं तो रोटी के साथ ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। आपको किस चीज़ के साथ खाना पसंद है ज़रूर कमेंट करिएगा, और ये रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। आप देख सकते हो बॉईल आ गया है, इसी वक्त हमें डाल देना है हरा धनिया, और हमारी प्रॉन्स करी बनके बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा चैनल को। फिर मिलूँगी इसी रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में।